यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज लाइव। आइए देखते हैं आज की खास खबर। नकली सोना रखकर असली सोना चुराने वाले शातिर गिरोह को व्यापारी ने पकड़ा रंगे हाथ, दो महिला आरोपियों समेत तीन गिरफ्तार। नालासोपारा वसई विरार एवं नायगांव क्षेत्र के अलग अलग सोना व्यापारियों की दुकान पर पिछले कुछ समय से एक गैंग द्वारा नकली सोना रखकर असली सोना चुरा ले जाने की घटना घटित होती रही है, लेकिन शातिर गिरोह हर बार घटना को अंजाम देकर आसानी से निकल पाने में कामयाब होता गया। लेकिन आखिरकार चोर की चोरी कितने दिन तक छिपी रह सकती है? आखिरकार एक न एक दिन चोर का फंडा फूट ही जाता है। यह बात हाल ही में नालासोपारा में प्रत्यक्ष देखने में तब सामने आई जब दो महिला एक सोना व्यापारी की दुकान वर्षा ज्वेलर्स में घुसी और व्यापारी को सोने की अंगूठी दिखाने का कहने लगी। सोना व्यापारी ने ग्राहक समझकर दुकान में आई महिलाओं को सोने की अंगूठी दिखाई। थोड़ी देर अलग अलग डिजाइन की भिन्न भिन्न वैरायटी देखने का बहाना करती रही आरोपी महिला ने मौका देखते ही व्यापारी की नज़र चुराकर व्यापारी द्वारा दिखाई गई अंगूठियों में से एक असली सोने की अंगूठी उठाई और उसके बदले अपने पास रखी नकली सोने की अंगूठी वहाँ वापस रखते हुए पसंद नहीं आई का बहाना बनाया और तुरंत निकल कर चली गई। शातिर चोर यहीं रुकने वाली नहीं थी। दोनों आरोपी वहां से आगे कंचन नामक ज्वेलरी शॉप में ग्राहक बनकर घुसी और वहां दुकान मालिक से सोने की चेन दिखाने का कहने लगी। एक तरफ आरोपी महिला दूसरा कांड अंजाम देने की फिराक में थी, ठीक उसी वक्त सतर्क प्रथम दुकानदार वर्षा ज्वेलर्स के मालिक ने अपने साथ हुई धोखाधड़ी भांप ली और दुकान बंद कर महिला का पीछा किया तो आरोपी महिला कंचन ज्वेलर्स में दिखी। तुरंत ही आसपास के सभी व्यापारी जमा हो गए और पुलिस को सूचना की। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपी महिला को चोरी की गई असली अंगूठी एवं चोरी करने लाई गई नकली चेन बरामद की। व्यापारी की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर पूछताछ की तो दोनों आरोपी महिलाओं ने धोखाधड़ी की वारदात कबूल कर ली। साथ ही अपने एक साथी पुरुष के बारे में भी पुलिस को बताया जो पेशे से रिक्शा चालक बताया गया है। इस लूट का शिकार बने व्यापारी ने मामले का CCTV फुटेज अपने व्यापारी ग्रुप में शेयर करते हुए व्यापारियों को सचेत रहने का आह्वान किया। तब कुछ और व्यापारियों ने भी आगे आकर अपनी दुकान पर इसी तरह की वारदात होने की बात सामने रखी, जिसके बाद यह मामला एक या दो लूट की वारदात तक ही सीमित हो ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है, बल्कि एक बड़े रैकेट की ओर इशारा करते दिखाई दिया, जिसकी जांच तुलिन पुलिस कर रही है। फिलहाल आरोपियों को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया जा चुका है। अदालत ने सभी आरोपियों को हिरासत में भेज दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, सेफ न्यूज लाइव। आज जो आप तुलिन चौकी आए हैं, आपकी कंप्लेंट क्या है? पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम अशोक जैन है और मेरी दुकान का नाम वर्षा ज्वेलर्स है और मेरे दुकान पे लगभग 12 बजे एक लेडीज और एक लड़की और एक छोटी लड़की दुकान पे आए और अंगूठी लेडीज अंगूठी दिखाने के लिए बोले मेरे को, और मैंने अंगूठी दिखाया और अंगूठी दिखाने के बाद उन्होंने मेरे को चकमा देके एक लेडीज अंगूठी ट्रे में खोटा रख के सोने का अंगूठी लेके निकल गए वो लोग। फिर मेरे आजू बाजू में देखा तो नहीं मिले, तो फिर मैंने वो फ्रूट वाले मेरे को बोला चेटर उधर नागिनदास की तरफ गई है, उधर आप जाओ करके। तो मैं फिर एक्टिवा लेके नागिनदास में कंचन कॉल में उसको रंगे हाथ पकड़ा। तो पुलिस प्रशासन इस पर कुछ कार्रवाई करी? अभी पुलिस चौकी में हम लोग ने उसमें पुलिस चौकी में समझो सब व्यापारी लोग मिल गए, पुलिस चौकी में उनको दिया है। सर, मैं नालासोपारा वेलफेयर ज्वेलर्स एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ और जो आज हमारे व्यापारी भाई अशोक भाई जैन के यहाँ दो लेडीज आई थी और एक उनके साथ में एक आदमी भी था, तो वो आज एक अंगूठी सोने की यहाँ इनके यहाँ डुप्लीकेट रख के ओरिजिनल लेके भाग गई थी। तो फिर हमारे वो नगीनदास पाड़ा में फिर ज्वेलर्स की दुकान में उनको भी एक चैन देख रही थी औरत, कंचन गोल्ड की दुकान में सोने की चैन देख रही थी, वो अदला बदली करने के चक्कर में थी। तब तक हमारे सब भाई अशोक भाई जैन वहाँ पहुँचे और वहाँ उनको रंगे हाथ पकड़ा तो वो वापस अंगूठी मिली उनको, और फिर बाद में सभी हमारे ग्रुप में व्यापारी भाइयों के ग्रुप में हम लोग ने डाला, तभी हमारे कम से कम 6-7 व्यापारी भाइयों को बहुत सारे फंसा के आई है। एक जन अपना नालासोपारा प्रगति नगर में अंगूठी का और डुप्लीकेट रख के ओरिजिनल लेके चली गई है, और अपना विरार में पूर्णिमा ज्वेलर्स करके वहाँ भी एक ओरिजिनल की चैन रखी और ओरिजिनल चैन लेके चली गई 916 की, और यहाँ डुप्लीकेट चैन रख के चली गई है। तो हम लोग अभी सब व्यापारी मिलके वहाँ का विरार का मंदिलपाड़ा का विरार पुलिस चौकी में FIR दर्ज करवाई है भाई ने, व्यापारी भाई ने, और अभी ये नालासोपारा ईस्ट में जो अभी हम लोग सब व्यापारी मिलके संजय भाई जैन हमारे नालासोपारा कार्य का अध्यक्ष है और हम लोग व्यापारी जितने भी है नगीनदास पाड़ा का अध्यक्ष है और उसवाल नगरी का अध्यक्ष है
और अपना तुलिन रोड के अध्यक्ष है, सभी व्यापारी भाइयों ने मिलके हम लोग का व्यापारी को सहयोग से हम लोग व्यापारी एकत्रित हुए और अपना पुलिस को बोले बहुत कड़ी से कड़ी सज़ा मिलने की रिक्वेस्ट की है सर से। तो हमारा व्यापारी भाइयों से ये है कि ऐसा न्याय मिले और किसी के साथ में धोखाधड़ी ना हो, ये हमारा व्यापारी लोग का उद्देश्य है सर। थैंक यू। नमस्कार, मैं संजय गोपीलाल जैन, नालासुपुरा वेलफेयर एसोसिएशन का कार्याध्यक्ष। आज एक बहुत बड़ी घटना घटी, एक लेडीज और एक नाबालिग लड़की और उसके साथ एक छोटी बच्ची हमारे विजयनगर में वर्षा जल में 12 बजे आई वो, और वहाँ आकर उनको बोला कि अंगूठी दिखाओ। उसने अंगूठी बातों बातों में अंगूठी नकली रख के असली लेकर वो वहाँ से रफू चक्कर हुई। एक से दो मिनट के बाद में हमारे जैन भाई को जब लगा कि मेरे साथ धोखाधड़ी हुई है, तो उन्होंने जब अपनी अंगूठी चेक की तो वो नकली निकली। ताबड़तोब उन्होंने अपनी दुकान को जाली खींचा और वो लेडीज़ के पीछे रिक्शा लेके नागिनदास की ओर गए, तो देखा कि वो लेडीज़ नागिनदास में कंचन गोल्ड के अंदर सोने की चेन देख रही थी। इनको लगा वो वही लेडीज है, तो इन्होंने सभी व्यापारी एसोसिएशन को भाइयों को फ़ोन किया और सब कंचन गोल्ड के सामने एकत्रित हो गए और वहाँ उस लेडीज़ को पकड़ा। तो लेडीज़ के पास एक नकली चेन भी मिली जिसके ऊपर लेबल लगा हुआ था। नकली चेन मिली, उसको पकड़ा और उसको पकड़ के हमने पास ही रहमत नगर चौकी में कंप्लेन किया और वहाँ से दो हवलदार आए और उनको लेकर तुलिन पुलिस स्टेशन में हमने उनके सुपुत्र कर दिया और उनको बोला कि सर ये इन्होंने ऐसा ऐसा कांड किया है। वो उसी वीडियो को हमने हमारे एसोसिएशन में डाला तो जगह जगह से, जैसे ओसवान लगरी, नागिनदास, तुलिंज, विरार, तो व्यापारियों ने बोला मेरे साथ भी हुआ, तो सब अपने अपने सीसीटीवी कैमरा के वीडियो रिकॉर्डिंग लेके पुलिस स्टेशन में पहुंचे और साहब को दिखाया, हमारे पीआई सर को दिखाया। उन्होंने बोला इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और जो भी आपका अगर कुछ माल गया हो तो हम इससे बरामद करके हम व्यापारियों को सपोर्ट करेंगे। और हमने FIR किया है उस लेडीज़ के नाम पे। उसी लेडीज़ का एक जोड़ीदार जिसको हमने ब्रिज के नीचे से पकड़ा, वो रिक्शा लेके खड़ा था, उसको हमने पकड़ के लाए, वो भी पुलिस को सुपुर्द कर दिया। जब उसको पुलिस ने सख्ती से पूछा तो उसने बताया हाँ मैं इनका साथीदार हूँ, ऐसा हमने यहाँ FIR किया है। और जो भी व्यापारियों के तकलीफें हैं, पुलिस वालों ने, हमारे सर लोगों ने बोला है कि इनकी तकलीफें दूर हो जाएगी और सख्त सख्त इनके ऊपर कार्रवाई करेगी। मैं खाली ज्वेलरी एसोसिएशन की तरफ से सभी व्यापारियों को ये कहना चाहता हूँ, अगर आपके साथ अगर कोई भी धोखाधड़ी होती है तो आप ताबड़तोब पुलिस स्टेशन में आइए, उनके नाम से कंप्लेंट कीजिए। आप छुपाए मत, जो भी आपके साथ धोखाधड़ी होती है, भले वो 1 ग्राम हो या 10 ग्राम हो, आप आइए, CCTV कैमरा आपके यहाँ लगा रहता है, लाइए वीडियो और सर को दिखाइए। सर ने आश्वासन दिया है कि जो भी ऐसा रहेगा हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे, यही मेरी एक विनती है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हमारे चैनल सेफ न्यूज़ लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।